हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वरुण सिंगला। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेट एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, मींस वो 3 आवर्स को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। ऑल्दो आपने अपनी प्रिपरेशन की है, या तो ऑफलाइन, ऑनलाइन, या मे बी आपने सेल्फ स्टडी की है, तैयारी आपकी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में जो मैं टिप्स आपको देना चाहता हूं, ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर। वो 3 घंटे आपको कैसे बिताने हैं, कैसे आपको मैनेज करना है पूरा का पूरा पेपर, ये सारे टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपको एक अच्छा रैंक, अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला पॉइंट है यहां पर टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, यू ऑलरेडी नो कि टोटल क्वेश्चंस है हमारे पास 65 और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 3 घंटे है, मतलब 180 मिनट है। यानी आपके पास तकरीबन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का टाइम है। यानी हमें अब जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। यह बैंक के एग्जाम की तरह नहीं है कि आपको 100 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं या 100 मिनट में 140 क्वेश्चन करने हैं। नहीं, हमारे पास टाइम है, ऑल्दो बहुत टाइम नहीं है, बट फिर भी इतना टाइम है कि आपकी जो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमें इस एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, नहीं, हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, करेक्टनेस पे ध्यान देना है। ऐसा हो सकता है कि आप 65 में से 30 या 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, लेकिन सारे के सारे सही हैं या कुछ उनमें गलत भी हो जाएं। लेकिन अगर आप 65 में से लेट्स से 50-55 क्वेश्चन कराए, लेकिन उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो मार्क्स है वो बहुत नीचे आ जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं, बहुत से स्टूडेंट, मैं अपनी अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज जो है, अगर आप एक तरह से क्वांटिटी पे ध्यान देंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, नहीं, अगर आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, आपके आंसर्स आ रहे हैं, डेफिनेटली फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, आपको एक एक करके अपना स्टेप जो है, एक एक करके आपको अपने एम कवर करने हैं। लेट्स से अगर हम बात करें, पहले हमारा सबसे पहला एम क्या है कि हमने इतने नंबर लेने कि क्वालिफाई कर पाए। फिर आपको अपना एम आगे बढ़ाना है कि हाँ, मैं 40 मार्क्स ले आऊं, फिर 50 मार्क्स, फिर 60 मार्क्स की, चलो एटलीस्ट मेरा आईआईटी में रैंक जो है वो सिक्योर हो जाए या पीएसयू में जो है मेरी सिलेक्शन हो सके। ये जो आपको पड़ाव, ये जो स्टेप है, आपको एक एक करके मूव करने हैं। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं, मेरे को तो 60 मार्क्स लाने हैं, 70 मार्क्स लाने हैं, या मेरे को टॉप करना है, गुड, लेकिन इस चक्कर में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ जाओगे, और जैसे ही उस तरफ जाओगे, हो सकता है आप जल्दबाजी में गलत अटेम्प्ट कराओ, उसकी वजह से होगा क्या, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो मेन टारगेट यहां पे रखना है करेक्टनेस के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो क्वेश्चन है, यू ऑलरेडी नो कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, बाकी के 55 क्वेश्चन भी आपको मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इसमें भी जो 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर के और बाकी के 5 है दो दो नंबर के, तो टोटल हमारे पास 15 मार्क्स का जो है ये पोर्शन आ रहा है एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। गाइज, एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश का क्वेश्चन तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिनोनिम या एंटोनिम पता है तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ही मीडियम लेवल का आता है, तो आप इस पोर्शन को बहुत ही फोकस्ड रखें, बिकॉज ये पोर्शन आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाने में हेल्प करेगा। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इस पोर्शन को, हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड के, बिल्कुल लास्ट में आते हैं हम एप्टीट्यूड या रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ऑल्दो ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि पहले हम अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, ताकि हमारे माइंड में फॉर्मूलाज या पॉइंट्स होते हैं उनको हम पहले यूज कर लें। लेकिन उसके चक्कर में होता है क्या, कई बार ये वाला पोर्शन करने के लिए आपको लास्ट में बहुत ही कम टाइम रह जाता है। नहीं, ये पोर्शन ऐसा है जो हर बच्चा अटेम्प्ट करके आएगा, तो आपको ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको 10-15 मिनट बचे हैं इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। नहीं, या तो आप हाफ टाइम में
इस पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। हाफ टाइम या दो घंटे अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप पहले इस पोर्शन को अटेम्प्ट करें, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस की तरफ आप जा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल में टाइम ज्यादा लग गया और एप्टीट्यूड करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। मैं पहले बता रहा हूं आपको, मीडियम लेवल का एप्टीट्यूड आता है, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट करना है। देन 55 क्वेश्चन हमारा मेन टारगेट होता है। इन 55 क्वेश्चंस में जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के आते हैं, ऑल्दो कई बार आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलेगा कि 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है या फिर फिक्स क्वेश्चन है 10 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसा कुछ मान के ना चलें, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें कभी टोटल मार्क्स जो है वो 16 का भी आया हुआ है, कभी 14 का आया, कभी 18 का भी आया हुआ है, कभी 14 का है, तो ये जो है पोर्शन वेरी करता है। लेकिन ये पोर्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक अच्छा रैंक लेना है तो मैथ्स जो है एक ऐसा पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन जो है तकरीबन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही जो है ना उसी वे में क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फिक्स ही हैं। जैसे अगर मैट्रिक्स में बात करें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चंस जो है, या फिर होमोजेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, रैंक कैसे निकालना है, ये फिक्स है। या फिर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर बात करें, या फिर अगर हम सेट थ्योरी अलजेब्रा में लैटिस या पोस्ट सेट के ऊपर क्वेश्चन, कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो फिक्स हैं, वो आप अगर लास्ट ईयर के आपने क्वेश्चंस डेफिनेटली किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप एक बार हल्का सा उसको ओवरव्यू करके जाएं, उसको देख के जाएं, और ये पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा स्कोरिंग मार्क्स है यहां पे आपके मैथ्स। देन सब्जेक्ट रिलेटेड, तो सब्जेक्ट रिलेटेड और मैथ्स के टोटल है 55 क्वेश्चंस, जिनमें 30 क्वेश्चंस एक एक नंबर के, 25 क्वेश्चंस है दो दो नंबर के। अब यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 25 क्वेश्चंस है ना दो दो नंबर के, अगर इन केस आपको अटेम्प्ट करने के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा मतलब आपके आंसर जो है थोड़े लेट आ रहे हैं या आप टाइम आप ज्यादा लगा पा रहे हो, तो इन दिस केस अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप पहले दो नंबर के क्वेश्चंस को टारगेट करें। रीजन उसका क्या है, बिकॉज दो नंबर के क्वेश्चंस को आप पहले टारगेट करेंगे तो आपको अगर एक सही क्वेश्चन होगा आपको दो नंबर मिलेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन सही होगा तो एक नंबर मिलेगा, मतलब यहां पे आप डबल मार्क्स को अटेन करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उतने ही नेगेटिव में जाने की भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। रीजन 0.33 नेगेटिव मार्किंग, 0.66 नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर इन केस आपने दो या तीन क्वेश्चन किए और उनमें से एक दो क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपके नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे रादर देन पॉजिटिव। तो कैसे हमें हैंडल करना है इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेट में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब आपको क्वेश्चन को रीड करके डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऑल्दो इट इज गुड, लेकिन आप चार ऑप्शंस में ना चेक करें कि आप एक या दो या तीन ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर सकें तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की स्ट्रेटेजी, मतलब इससे होगा क्या, आपका जो आंसर है वो जल्दी भी आएगा और आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा आंसर जो है वो मैं ठीक अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं। तो दो नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, लेकिन गैस नहीं मारने, यहां पे बिल्कुल भी गैस नहीं मारने। ये गेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट मोमेंट पे, वो करते हैं कि चलो ठीक है यार इनमें से मैं ए बी सी डी इस तरीके से लगा देते हैं। नहीं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं करना, आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व करके ही करने हैं, लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस में गेस मार सकते हो। वो कौन से क्वेश्चंस हैं, अगर आपने लेट से दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, मतलब 50-50 बचा है, इस टाइप के सिचुएशन में आप गेस मार सकते हैं। रीजन उसका क्या है, छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। लेट से आपके पास तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपने दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर दिया, मतलब आपको पता है कि इन दो में तो आंसर नहीं है लेकिन बाकी दो में आंसर हो सकता है, तो इस केस में अगर आपके दो क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो होगा क्या, आपको यहां पे चार नंबर, मैं दो दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दो दो नंबर के क्वेश्चन की, तो चार आप पॉजिटिव में जा रहे हो, -0.66 में जा रहे हो, तो यानी स्टिल आपके पास 3 point something जो है वो पॉजिटिव में बैठ रहा है। तो यानी आपको गेस कहां पे मारने हैं, तुक्के कहां मारने हैं,
अगर आपके 50-50% हो चुके हैं, मतलब आपको पता है कि दो ऑप्शन में तो कुछ नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन में डेफिनेटली मेरा आंसर है, लेकिन अगर चारों के चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ब्लैंक है, आपको पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, कैसे स्टार्ट करना है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, बिल्कुल उसको इग्नोर करें, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। देन मैं आपको एक और पॉइंट यहां पे बताना चाहता हूं कि कई बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे नेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आते हैं, नेट है या एमसीक्यू टाइप है, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, और नेट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो नेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप इसमें आंसर अगर आपका कुछ कुछ पोर्शन आ रहा है तो आप बिना डरे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसमें आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नेट में, और एक लिंक्ड क्वेश्चंस में जो लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सेकंड क्वेश्चन होता है लिंक्ड वाला, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप उसमें अगर आपको कुछ ऑप्शन आपको लग रहा है या कुछ पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ आंसर इतना आ सकता है, तो बिना डरे आप लिख लें, हो सकता है आंसर आपका ठीक हो। लेकिन ऑप्शंस वाले में मैंने जैसा कि अभी बताया, अगर आपको चारों में से कुछ भी नहीं पता ऑप्शन के बारे में, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, इग्नोर करना। और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे नेट को या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, तो उस केस में एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, मतलब आपने काफी स्टेप्स को फॉलो किया है लेकिन कोई भी स्टेप आपको सही आंसर की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो गेट में एक्चुअल में क्वेश्चंस जो है बहुत लेंथी नहीं होते, मतलब अगर आपका क्वेश्चन 5-6 स्टेप में हो रहा है दिस इज फाइन, लेकिन अगर आप 6-7 स्टेप करके बैठे हो लेकिन अभी भी आंसर नहीं आ रहा, तो समझ जाना आपकी जो अप्रोच है वो गलत है, आप अपनी अप्रोच चेंज करें और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। और पैनिक नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत डर जाते हैं, बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, अगर 2-3 क्वेश्चन भी स्टार्टिंग के सॉल्व नहीं हुए तो एकदम से वो डर जाते हैं, नहीं, 5-10 सेकंड के लिए आराम से बैठो, आंख बंद करके थोड़ा सा लंबी सांस लो, आपको डेफिनेटली सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चार ऑप्शंस में कुछ पता ही नहीं है और फिर भी आप आंख बंद करके बैठे हो, नहीं, ऐसी सिचुएशन में आप उस क्वेश्चन को इग्नोर करें। यह तब है कि आपने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन हमें पता है, देखते ही हमें लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, मैंने ये किया हुआ है, लेकिन जब सॉल्व करने लगते हैं तब आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है या आपको लग रहा है कि डाउट है इसमें, तो उस केस में 5-7 सेकंड के लिए रिलैक्स करके फिर आप उसको डेफिनेटली स्टार्ट करें, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो इग्नोर दैट क्वेश्चन, गेस बिल्कुल नहीं मारने, बिकॉज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो इसीलिए आप अपनी अप्रोच जो है वो एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं लेके जानी। सो दीज आर ऑल द मेजर पॉइंट्स इन विच मैं आपको जो है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं ज्यादा और किस अप्रोच को आपको यूज करना है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई होप कि आप डेफिनेटली, आपने जो इतनी मेहनत की है वो आपकी मेहनत जो है डेफिनेटली रंग लाएगी और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा रैंक, एक अच्छे मार्क्स आप अचीव करेंगे। सो थैंक यू गाइज़।